औरंगी टाउन 5 नंबर पर खड़ी रेंजर्स की गाड़ी दहशतगर्दी का निशाना बन गई। आवाम को तहफ़ देने के लिए रेंजर्स जवान पेट्रोलिंग पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे कि अचानक धमाका हुआ। धमाके के बाद अंधेरा छा गया, चंद मिनट तक कुछ दिखाई ना दिया। इलाका मकीनों ने फौरी पहुँच कर इमदाद की। रेस्क्यू के जरिए जख्मी रेंजर्स एहलकारों को मुकामी अस्पताल पहुँचाया गया। एक रेंजर्स एहलकार जख्मों की ताब ना लाकर शहीद हो गया। 2 जख्मी एहलकार समेत 12 शहरी जख्मी हुए। तफ्तीशी इदारों ने जाए वकूफ से शवाहिद इकट्ठे किए। सड़क पर खड़ी गाड़ियों और दुकानों को भी नुकसान पहुँचा। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खड़ी मोटरसाइकिल में बारूदी मवाद के फटने से धमाका हुआ। बाज़ ज़राए से कहकर धमाका भी करार दे रहे हैं। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने भी शवाहिद इकट्ठे किए। सोशल मीडिया पर बलोच लिबरेशन ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे टारगेटेड वाक़या करार दिया है। असल हकायक आला तहकीकती और BD के रिपोर्ट के बाद मंजर आम पर आएंगे। DIG वेस्ट आसिम खैम खानी, SSP वेस्ट सोहाय अजीज, DSP औरंगी, DSP पाकिस्तान बाजार और विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल आफ्ताब, DSR इकबाल भी जाए वकूफ पर पहुंचे और वाकये की तफसीलात मालूम की। अफजाल खान, C110 न्यूज, कराची। C110 न्यूज, खबर की असल खबर।